बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने का, नहीं मेरी फैमिली में से किसी का भी मन था। किसी का साधने वाला उठा? ओ हैप्पी बर्थडे साधने वाला भी लाएगा? हाँ, तो मेरा बर्थडे क्यों मनाना चाहता है बताओ, क्यों मनाना चाहता है? डॉक्टर ने जो मना किया कि केक वगैरह नहीं खाना है। एक बलून, कैंडल, हाँ मैजिकल कैंडल लिखा तो मैजिकल कैंडल जल्दी लिखो भाई, करी मैजिकल कैंडल। बहुत गंदा लग रहा है, मार मार कर सारी उंगली निकालनी होगी। साथ कह सकती हूँ कि ये छोटा भाई का प्यार है, वो मुझे खुश देखना चाहता था, मतलब वो भी चाहता था कि मेरी दीदी भी बर्थडे सेलिब्रेट करे। पापा तो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे इस पर, काफी ज्यादा इसको डांटा। चलो चलो, कांजोर भाई का व्लॉग बनाना है ना। सब लोग देख कर डर जाएंगे। अच्छा भैया, डर जाएंगे, डर जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छी बात बताओ, तू मेरा बर्थडे क्यों मनाना चाहता है बताओ, क्यों मनाना चाहता है? डॉक्टर ने जो मना किया कि केक वगैरह नहीं खाना है, और अगर केक वगैरह आएगा तो तुम खाने की जिद करेगा, करेगा ना? नहीं करूंगा, प्रॉमिस। पिंकी वाली प्रॉमिस ना, आप लोगों के सामने ये मुझे प्रॉमिस कर रहा है। चलो बोलो, मैं केक खाऊंगा, नहीं खाऊंगा केक, खाऊंगा नहीं, नहीं खाऊंगा, बोलो। मैं केक नहीं खाऊंगा, मैं केक खाऊंगा। छोड़ो तो नहीं जाएंगे, छोड़ो, मैं केक नहीं खाऊंगा। तुमने कुछ छूटा ना, सारे फ्रेंड्स ना गुस्सा हो जाएंगे। हाँ ये कर लो पहले। अरे तो यार एक प्यारी सी हेयर स्टाइल तो बनती है ना। नहीं, गंदी वाली बनाना। क्यों गंदी वाली बनाना, क्यों गंदी वाली बनाना? ये तो मेरे खाने उधेड़ जाने की थी भाई। रोजी छा यार, कहा मैं पूछ कर रही थी, मैं पापा बन गया। पापा बन गया, बधाई हो, तभी भैया पापा बन गए। ये बच्चा किसका खो गया? ना भाई, इतना बड़ा सा तकिया कहाँ से आ गया? बहुत गंदा लग रहा है तकिया, मार मार कर सारी उंगली निकालनी होगी। धनो भाई को दे दो, फटाफट बना देगी। मैं बना लिया। दो बैलून, बैलून भी चाहिए। इसी का साधने वाला उठा। ओ हैप्पी बर्थडे साधने वाला भी लाएगा। पापा की जेब खाली हो जाएगी, कुछ उम्र बना देंगे पापा हमारा। मेरा भी बटन काम आ जाएगा। हैप्पी बर्थडे वाला स्टिकर लिख सकेगा? गाय हमारी माता है, टकलू भैया को कुछ नहीं आता, फिर भी लिस्ट इसी को बनाना। टकलू भैया बताते जाएंगे और धनो भाई लिस्ट बनाते जाएगी। स्पेलिंग नहीं आती है, स्पेलिंग हिंदी से लिखो, हिंदी से। एक बलून, कैंडल, हाँ मैजिकल कैंडल लिखा तो मैजिकल कैंडल जल्दी लिखो भाई, करी मैजिकल कैंडल। वैसे तो यार पर्सनली ना हमारा कोई भी प्लान नहीं था स्पेशली मेरा बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने का, क्योंकि इस जंगले टकलू भैया को ना डॉक्टर ने मीठा केक वगैरह खाने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया। लेकिन पता नहीं भैया इस उल्लू के पट्टे को अपना बर्थडे छोड़कर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने की इतनी क्या चूल मची है। मतलब कल से ही ना ये इतना ज्यादा जिद कर रहा है, इतना ज्यादा रो रहा है कि नहीं बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, भारती दीदी का करेंगे, डंगरी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। केक और मीठा वगैरह खाएगा ना तो फिर नहीं करेंगे। नमकीन तो खा सकता हूं। हां नमकीन वगैरह खा सकता है, टूस्ट उसका खाना, लेकिन केक नहीं खाएगा, प्रॉमिस ना। रसगुल्ला भी नहीं, कुछ नहीं मीठा में तो कुछ नहीं। सिर्फ इस डंगरे उल्लू के पट्टे की जीत के कारण ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ उम्र बना दिया बिल्कुल लिस्ट का, तो लिस्ट वगैरह तो रेडी है यार, बस शॉपिंग में जाएंगे और फटाफट सामान वगैरह लेकर आएंगे। अभी बता का है? काला अक्षर व्यास बराबर पढ़ने तो आता नहीं है भाई साहब को। सबका कहना है 1000 उम्मीद हमारे प्यारे
जाते जाते रास्ते में भूख लग गई तो फिर वही खा लूंगा, वही ठूस लेगा। क्यों पैसे पेड़ पर रुकते? मम्मी ने इतना मस्त देखो दाल चावल, तुम्हारी फेवरेट भिंडी की सब्जी भी है, आलू की भुजिया खा लो। सब वाले वो क्या हो गया, बिगाड़ दिया। यही होता है, कभी भी गेम पूरा नहीं होने देता ये लोग। चलो मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी। एक आ जाए ये अगली भैया के साथ, मेरी भी गोटी निकल गयी। कोई बात नहीं, निकल जाएगी। ये लो एक और छक्का, एक दो तीन चार पाँच छह, ये सीढ़ी भी चढ़ गई। अच्छा आगे जाएगा, देखते हैं कौन जाता है। सांप काटेगा ना, कब पता चलेगा? कोई सांप नहीं काटेगा, सांप की इतनी हिम्मत ही नहीं है। दो, 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 कैसा लगा, कैसा लगा? अच्छा भैया हाँ, और दूर फेंक दो। एक ही आया है, चलो चल गया। वाह टकलू, इसे कहते हैं देसी जुगाड़। और ये जीत करके खा ले, क्योंकि सब जानते हैं ना कि ये कितना बड़ा जिद्दी है, इसलिए। और हम लोग नहीं चाहते थे कि ये ठूसे और इसको फूड रिएक्शंस वगैरह हो, निमोनिया हो, भगवान ना करे कभी भी ऐसा हो यार। लेकिन क्या करे यार, इतना ज्यादा जीत करके बैठ गया था ना, बिल्कुल मतलब कह रहा था कि कुछ भी खाना पीना नहीं खाएगा जब तक बर्थडे सेलिब्रेट
सेलिब्रेट नहीं होगा। अब पता नहीं इसे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करना चाहता था, क्या चूल मची थी। शायद कह सकती हूँ कि ये एक छोटा भाई का प्यार है, वो मुझे खुश देखना चाहता था। मतलब वो भी चाहता था कि मेरी दीदी भी बर्थडे सेलिब्रेट करे। फाइनली ना इसने प्रॉमिस किया कि नहीं दीदी मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। तब जाकर हमने माना, मतलब पापा तो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे इस पर, काफी ज्यादा इसको डांटा भी, फिर भी नहीं माना। क्या कर सकते थे यार। फिलहाल आज के व्लॉग में ना इतना ही। कल के व्लॉग में आपको हमारी ढेर सारी शॉपिंग वगैरह देखने को मिलेगी बर्थडे वाली। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे इतने प्यारे प्यारे बर्थडे विशेस एंड ब्लेसिंग दी। अपने सरेले से थोपड़े को देखा है लंगूर बंदर कहीं का? पता पर ये बंदर का सुंदर है बना दे मम्मी भाई। ये टगरी के बर्थडे की चाकू ले लो, चाकू ले लो। अरे भैया केक के साथ ही आता है चाकू। उस पर रसगुल्ला भी नहीं? हाँ कुछ नहीं खाएगा, नहीं तो बहुत पीटूंगी। सारे दादापुर दोनों भाई को बुला, तुमको ही बनाना चाहिए। उठो उठो भैया इस उल्लू के पट्टे को। क्योंकि टकलू भैया को ना मीठा और केक वगैरह हाथों में केक दिख दिया। सरेले से थोपले का मैं देख लूं। इसलिए टकलू भाई एक प्यारी सी है। अरे टकलू भैया ऊपर टपक जाओगी। टकलू भैया साथ रुक गई ना तो ऊपर देखो ये ऐसे करा जैसा।